अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सूफिया उमर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लो एएमएच और नेचुरल प्रेगनेंसी के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या लो एएमएच के सब पेशेंट्स को प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ आईवीएफ की ही जरूरत होती है, क्या लो एएमएच वाले पेशेंट्स में कभी नेचुरल प्रेगनेंसी होती है, लो एएमएच वाले पेशेंट्स ने अगर नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए अटेम्प्ट करना है तो उनका किन कंडीशंस को मीट करना जरूरी होता है, लो एएमएच वाले पेशेंट्स में नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है, कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस उनके पास होते हैं और उनमें प्रेगनेंसी के चांसेस कितने होते हैं। लो एएमएच वाले पेशेंट्स में ओवरीज यानी कि अंडेदानियों में अंडे बनाने की सलाहियत मुतासिर होती है और इनकी ओवरीज में फॉलिकल्स या एग्स की मिकदार अब कम होती है। इनमें आईवीएफ को सपोर्ट करने की, आईवीएफ को सजेस्ट करने की मेन आर्ग्यूमेंट ये होती है कि आईवीएफ इनको प्रेगनेंसी का सबसे ज्यादा चांस देगा। लेकिन हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में एक बहुत मेजर प्रोपोर्शन ऐसे लोगों की है जो आईवीएफ अफोर्ड नहीं कर सकते और जो कुछ भी कर लें वो आईवीएफ नहीं करवा सकते। तो ये लोग क्या करें? लो एएमएच वाले पेशेंट्स में नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है और मेरे बहुत सारे लो एएमएच के पेशेंट्स भी हैं जिनको नेचुरल प्रेगनेंसी हुई है। लो एएमएच वाले पेशेंट्स में नेचुरल प्रेगनेंसी अटेम्प्ट करने के लिए दो तीन कंडीशंस का पूरा होना लाजमी होता है। पहली बात ये कि औरत की ट्यूब्स ओपन हो और नॉर्मली फंक्शनल हो। दूसरी बात, यूट्रस यानी कि बच्चेदानी की इंटरनल कैविटी किसी हद तक नॉर्मल हो, इन खवातीन में फाइब्रॉइड्स या एडिनोमायोसिस ना हो। तीसरी कंडीशन जो इनको मीट करनी जरूरी है वो ये है कि हस्बैंड के स्पर्म एनालिसिस बिल्कुल नॉर्मल हो। हस्बैंड के स्पर्म एनालिसिस में स्पर्म्स का काउंट, उनकी मोटिलिटी और उनकी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल रेंज में हो तो ये खवातीन नेचुरल प्रेगनेंसी की कोशिश कर सकती हैं। लास्टली, लो एएमएच वाले पेशेंट्स के लिए बेहतर है कि उनके हस्बैंड के सीमन एनालिसिस के साथ साथ उनके स्पर्म्स की डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट भी करा लिया जाए और वो डीएनए फ्रेगमेंटेशन भी किसी हद तक नॉर्मल रेंज में लाए करती हो। सो अगर ये खवातीन जो लो एएमएच का शिकार हैं, इनकी ट्यूब्स नॉर्मल हैं, इनकी यूट्रस नॉर्मल है और इनके हस्बैंड के स्पर्म टेस्ट्स नॉर्मल हैं तो ये नेचुरल प्रेगनेंसी की अटेम्प्ट ले सकती हैं। लो एएमएच वाले पेशेंट में नेचुरल प्रेगनेंसी की अटेम्प्ट के लिए खवातीन को मेडिसिन दी जा सकती हैं जो कि अमूमन पीरियड साइकिल के सेकेंड डे पे स्टार्ट होती हैं। इन खवातीन में मेडिसिन या इंजेक्शन की मदद से फॉलिकल बनाया जा सकता है यानी कि ओवरी में एक मिच्योर एग को डिवेलप किया जा सकता है। अगर मेडिसिन और इंजेक्शन की मदद से एक मिच्योर फॉलिकल बन जाए तो इन खवातीन को एक ट्रिगर शॉट दिया जाता है और उसके बाद IUI अटेम्प्ट हो सकता है या नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए भी ये कपल कोशिश कर सकते हैं। इन कपल्स में सक्सेस रेट अमूमन 6-8%, मैक्सिमम अप टू 10% तक होता है। सो IVF को सपोर्ट करने की मेन वजह इन कपल्स में ये थी कि प्रेगनेंसी का सबसे ज्यादा चांस इनको IVF देगा तकरीबन 30%, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट, कुछ पेशेंट्स में 20% या कुछ पेशेंट्स में 30%। नेचुरल प्रेगनेंसी वाले जो मेथड्स हैं जिसमें मेडिसिन और इंजेक्शन की मदद से अगर एग बनाया जाए और उसके बाद IUI किया जाए या नेचुरल प्रेगनेंसी की जाए तो 6-8 to maximum 10% तक सक्सेस रेट अचीव किया जा सकता है। अब इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप एक दफा ये ट्राई करें और उसके बाद आप डिसअपॉइंट हो जाएं कि मैं तो 10% में नहीं आई और मुझे प्रेगनेंसी अब नहीं होगी। सो जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बात करती हूँ कि इनफर्टिलिटी का एक जर्नी होता है जो एक कपल एक डॉक्टर के साथ चलता है और आप एक डॉक्टर को उसके लिए ट्रस्ट करें। आप अपने फैमिली और फ्रेंड से पूछें, अगर वो लोग जिस डॉक्टर को रेकमेंड करते हैं और आप उस डॉक्टर को विजिट करें, अगर वो डॉक्टर आपको पसंद आती है तो आप उस डॉक्टर के साथ अपना ये जर्नी चलें और नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए भी 4-5 दफा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हों। अगर एक दफा आपने अटेम्प्ट किया आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आप ये साइकिल को रिपीट करें, एटलीस्ट 4-5 दफा आप मेडिसिन और इंजेक्शन के साइकिल को रिपीट करें। उसमें अच्छा मेच्योर फॉलिकल बनता है तो IUI अटेम्प्ट करें या नेचुरल प्रेगनेंसी अटेम्प्ट करें तो इससे ओवरऑल आपका प्रेगनेंसी रेट बढ़ेगा। अगर आप लोग IVF कभी अफोर्ड नहीं कर सकते या IVF कभी करवाना नहीं चाहते तो फिर आप लोग ये नेचुरल मेथड्स को अडेप्ट करें और इसके थ्रू अपना इलाज करने की कोशिश करें। देखें, हमेशा मैं इनफर्टिलिटी के कपल्स को कहती हूँ कि फीमेल की एज इंपॉर्टेंट होती है, उसका AMH इंपॉर्टेंट होता है, तो इलाज टाइमली कर लिया जाए तो बेहतर है। सो अगर तो आपने इलाज कराना है तो सीरियस होकर कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इलाज कराएं, 4-5-6 months तक आप एक ट्रीटमेंट ऑप्शन को लें। अगर प्रेगनेंसी आपको हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो आप फिर दूसरे ऑप्शन को अटेम्प्ट करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और लास्टली बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपके मेरी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखें तो मैं या मेरी स्टाफ मेंबर आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगी। थैंक यू।